सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। सब उठ गए होंगे सुबह सुबह, आज तो त्योहार का दिन है भाई। शो के बाद तैयार हुई है मस्त, हम सब रेडी हैं आपके लिए। आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से धनतेरस की खूब खूब शुभकामनाएं। थोड़ा सा ट्राइंग, थोड़ा सा टफ टाइम रहा है, होपिंग वापस बढ़िया रिस्पाइट मिलेगा, अच्छे दिन शेयर बाजार के जल्द लौटेंगे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है भाई कल अच्छा सेशन था, रिस्पाइट था स्क्रीन्स पे। ये फेस्टिव हफ्ते की शुरुआत इन ग्रीन हुई। हाँ, कंप्लेंट करने वाले ऊपर से बोलेंगे ठंडा पड़ गया था, लेकिन यार इतने दिनों बाद हरा दिखा, 2/3% मजबूत था, उसे एंजॉय करो। आज भी इन ग्रीन खुलने की इंडिकेशन दे रहा है, हाँ लेकिन लार्जली फ्लैट है। हाँ, रिस्पाइट जरूर था, पर अंग्रेज में कहते हैं ना आउट ऑफ द वुड्स नहीं। अभी थोड़ा सा मुश्किल समय है बाजार के लिए, थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूरी है। बहुत पिटे थे तो थोड़ा सा रिलीफ रैली प्ले आउट होती हुई स्क्रीन पे। आज 40 पॉइंट ऊपर था गिफ्ट निफ्टी। जैसे से हम अपने ओपनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, मामला पस्त पड़ रहा है, ध्यान रखिएगा। खैर, ग्लोबली हैंडओवर में कोई दिक्कत नहीं थी। यूएस से अगर शुरू करूं तो कल एक विनिंग सेशन था वॉल स्ट्रीट में भाई। चाहे डाओ हो, S&P हो, नैसडैक हो, तीनों हरे निशान में थे, तीनों 1/4 से 2/3% मजबूती के साथ बंद होते हुए नजर आए। और कल जो हम डाइजेस्ट करके गए थे, कल हम वैसे इतनी तेजी, थोड़ी इससे बेहतर शेड, बेहतर तेजी डाइजेस्ट करके गए हुए थे, इसीलिए आप देखना गिफ्ट निफ्टी बहुत ज्यादा उसे इंजॉय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आज सुबह के फ्यूचर्स लार्जली फ्लैट लाइन के इर्द गिर्द ट्रेड कर रहे हैं, तो कल ऑलरेडी डाइजेस्टेड है ये तेजी। एशिया मिला जुला कामकाज करता हुआ, यह है ग्लोब का मूड लार्जली। हाँ, अब आने वाले दिन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यूएस का GDP आंकड़ा आना है, कई सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स शेड्यूल्ड हैं, और जापान के बैंक ऑफ जापान की मीटिंग शेड्यूल है, सब लेटर हाफ में इस हफ्ते के देखने को मिलेगा। तो उससे पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन टाइप मूड है, ऐसा कुछ ज्यादा उत्साह नजर नहीं आएगा, लेकिन हैंडओवर को लेकर दिक्कत नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। आज सीधा सौदा में मदद करने के लिए आपको, और खास तौर पे धनतेरस की ग्रीटिंग्स देने के लिए, सुबह सुबह यतिन जी स्क्रीन पे नजर आएंगे। कैसा मूड, कैसा माहौल, चमक रहे हैं भाई, बिल्कुल चमकने वाला, देखिए बिल्कुल चमकने वाला और कॉन्ट्रास्ट वाला है। एक लाल है, एक ब्लू है, तो बुल वर्सेस बेयरज होने वाला है जम के। और टीम भी इंटरेस्टिंग है, नंबर्स भी इंटरेस्टिंग है, ग्लोबल सेटअप भी इंटरेस्टिंग है, और इस वीक की शुरुआत आशीष अच्छी हुई है। देखो, फेस्टिवल सीजन जो है वो अच्छी नोट पे शुरू हुई है, और होप ये करेंगे जो बाजार 24,150 से बाउंस हुआ है, जो स्फूर्ति यस्टरडे थी वो आज भी रहे, तो स्पंदना स्फूर्ति वैसा नहीं है। हाँ, स्फूर्ति वैसा नहीं है आपकी टीम में, मैंने देखा। लेकिन हाँ, सेटअप बढ़िया है, और देखिए ये ग्लोबल क्यूज के विपरीत हम लोग चल रहे हैं। FII की सेलिंग थोड़ी एब हो रही है, डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स और HNIs फिर से एक बार बाजार में आ रहे हैं, तो मूड माहौल थोड़ा लो है, सेंटिमेंट लो है डीलिंग रूम्स में, लेकिन बाजार रिकवरी मोड में है, और ये रिकवरी रहेगी तो फिर से एक बार बाजार में बुल रन बनेगा। चलिए थोड़ा सा स्टेबलाइज करें मामला, वही इंपॉर्टेंट इस समय, तो फिर देखेंगे इंच अप कब करेगा। हाँ, डेटा पॉइंट थोड़े से इंकरेजिंग है, ऐसा नहीं कि सब कुछ। कल भी FIIs की जो पोजीशनिंग थी बेहतर होती चली जा रही है। खैर, शुरुआत करते 10-10 स्टॉक्स मेंशन करेंगे अगले आधे घंटे में, पर मूल मकसद ये है कि आप लोग अवेयर रहें कौन कौन से स्टॉक्स क्यों क्यों, किन रीजंस के चलते आज रडार पर रहेंगे। अब उनमें ट्रेड वेट के समीकरण वो आप और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस करेगा, डिसाइड करेगा। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हालांकि कल भी मेंशन करा था, कल इंद्रीन इसे लेके गया था क्योंकि कल एक स्प्लिट का एडजस्टमेंट होना था, वो एडजस्टमेंट प्ले आउट हो चुका है। ये इंग्रीन था कल, बाय द वे फ्लैट से इंग्रीन ट्रेड कर रहा था, क्योंकि स्प्लिट का एडजस्टमेंट कहता है 80%, उससे 2/3 या 1.5% मजबूत था। हाँ, ये एडजस्टमेंट आया, आज भी इसको रडार पे रखते हैं, इन ग्रीन ही लेके चलते हैं। अच्छी पेडिग्री की कंपनी, बढ़िया फार्मास्यूटिकल स्टॉक, और कल फिर अपडेट भी आ गया एक कि इन्होंने एलो बिग्जी बैट नाम की दवा हिंदुस्तान के बाजार में लॉन्च कर दी है, जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने में मदद करती है। खबर ठीक है, एडजस्टमेंट के बाद स्टॉक मेरे रेसी रडार पे आया हुआ है, ग्रीन कर दिया।
अच्छे नंबर्स थे जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के, हर पैमाने पे अच्छे हैं। आए साल दर साल 18% का जंप, इबीटा उसके सामने 48% इंप्रूव हुआ। जब आए 18% इबीटा 48% तो मार्जिन्स में एक बढ़िया एक्सपेंशन था। 54% वाले 67-68% पे मार्जिन्स पहुंचे हैं, 1400 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है साल दर साल, और मुनाफा 46% का जंप। अच्छे नंबर, अच्छी कंपनी, पौने 400 या 350 375 वाला स्टॉक है जो करेक्टेड इस समय कामकाज कर रहा है। रखते हैं ग्रीन पे, शायद अच्छे मौके दे रहा हो एक्यूमुलेट करने के, वो कर फ्रंट एंड वाजे डिसाइड करेगा। प्रेस्टीज एस्टेट्स को ग्रीन करा, खबर अच्छी है। बेंगलुरु की वाइट फील्ड में प्राइम 17.5 एकड़ के आसपास की जमीन इसने एक्वायर करी। दरअसल इन्हीं का एक प्रोजेक्ट है प्रेस्टीज रेंट्री पार्क, उसके एडजेसेंट ये 17.5 एकड़ जमीन खरीदी गई है, जिसमें ये कंपनी रेजिडेंशियल डेवलपमेंट करती हुई नजर आएगी। मेरे ख्याल से 462 करोड़ रुपए के आसपास ये जमीन एक्वायर करी है, बड़ा चंक। प्रेस्टीज एस्टेट्स को ग्रीन कर दिया, आज हरियाली के साथ शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं हरियाली के साथ नहीं करूंगा क्योंकि मैंने रेड पहना था। ठीक है, शुरू का स्टॉक रेड है और इनकी गलती भी नहीं है, ड्रेसमैन की गलती। और इंद्रप्रस्थ गैस, देखिए गैस स्टॉक्स हम लोग काफ़ी समय से देख रहे हैं प्रेशर में हैं, लेकिन अगर हम रिजल्ट्स देखें आईजीएल के तो काफ़ी फीके रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस टाइम आया है लगभग 430 करोड़ रुपये के आसपास, हालांकि एस्टिमेट था 460 करोड़ का, तो लगभग 7-8% का मिस आप देख रहे हैं उस तर्ज पे। और अगर हम एबिटा की भी बात करें तो एबिटा आया है 535 करोड़ का, जो 600 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, तो लगभग एक 10% मिस एबिटा पे भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो गैस वाले स्टॉक्स हैं न्यूज़ फ्लो नेगेटिव है और अर्निंग्स भी आपको दिखाई पड़ रही है थोड़ी बहुत प्रेशर में। इसके बाद SJS एंटरप्राइजेज, इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ, नंबर्स ठीक ठाक हैं। नेट प्रॉफिट है लगभग 29 करोड़, जो पिछले साल 19 करोड़ के आसपास थे, तो ब्रॉडली एक 50% का जंप आपको प्रॉफिट में दिखाई दे रहा है। मार्जिन्स भी सुधर के 26% हुए हैं, जो पिछले साल 22% थे, तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रॉफिट भी अच्छा है और सेल्स ग्रोथ भी आपको ठीक ठाक होती हुई नज़र पड़ रही है। तो SJS एंटरप्राइजेज इसको हरे में लेके चल रहा हूँ। और तीसरा जो स्टॉक है मेरे रडार पे वो है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि इन्होंने सेल्क और गैजेट्स के साथ वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग करने का करार किया है। स्टॉक रिजल्ट्स के बाद पिटा था, थोड़ा सबडूड था, कल बाउंस करने की चेष्टा किए, शायद आज भी आपको एक हरे निशान के साथ डिक्सन टेक्नोलॉजी ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़े, ये MOU के चलते। बढ़िया, बिल्कुल ठीक। अगले में फेडरल बैंक को ग्रीन ले जाता हूँ, थोड़ा सा करेक्टेड भी है, मेरे ख्याल से 204 तक का गया था, उसके बाद 185 पे चल रहा है। कल जो नंबर्स आए अच्छे हैं, पहले हेडलाइन नंबर्स, NII 15% का जंप है, मुनाफे में 11% का उछाल है साल दर साल, हेडलाइन नंबर्स साल दर साल। उसके नीचे एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट, ग्रॉस NPA 2.09%, नेट NPA 0.57%, बाकी हाइजीन चेक, डिपॉजिट ग्रोथ साल दर साल 16%, एडवांसेस 19%, रिटर्न रेशियोज स्टेबल नजर आएंगे, NIM स्टेबल है, मेरे ख्याल से 3.16% था लास्ट क्वार्टर, 3.12% है, 4 बिप्स नीचे है। नंबर्स ठीक हैं, इन्वायरमेंट को देखते हुए, इनके पीयर्स को देखते हुए, उस पर्सपेक्टिव में ग्रीन लेते हैं आप लोग, लेकिन वॉच आउट करिएगा, ये नंबर्स पे ग्रीन है। ऐसे ही तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक को मैंने ग्रीन रखा क्योंकि इसके भी नंबर्स ठीक हैं, हेडलाइन नंबर्स, NII 12%, मुनाफा 11% साल दर साल बढ़ा, एसेट क्वालिटी में बढ़िया इंप्रूवमेंट है, मिसाल के तौर पे नेट NPA 0.65% लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर 0.46%, बिजनेस मोमेंटम थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे, इसमें कोई शक नहीं, तो मिले जुले हैं, मैं ग्रीन लेके चलता हूं। डिपॉजिट 4.25% बढ़े, एडवांसेस लेकिन 12.5% का जंप साल दर साल दिखा रहे हैं, रिटर्न रेशियोज भी इंप्रूव हुए Q-on-Q। तो तमिलनाडु बैंक थोड़ा सा बिजनेस मोमेंटम नहीं, बाकी लेकिन चेक में कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए ग्रीन रख रहे हैं, अपन वॉच आउट करेंगे बाजार के मूड के साथ ही, फिर इस स्टॉक बिहेव कर रहा होगा। स्पंदना स्फूर्ति को लाल रखा है, हालांकि भाई साहब ये ध्यान रखिएगा, ये स्टॉक लद चुका है, साल का चार्ट उठाइएगा, मतलब कुछ है ही नहीं इसमें, गिरते ही चले जा रहा है। तो अब मुझे नहीं पता आज रिजल्ट के बाद हो सकता है कुछ
नहीं होगा ना यार, वो रीजन नहीं है, ये माइक्रो फाइनेंस वाले हैं ना, MFI और साल का चार्ट देखिएगा। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ पहले से, लेकिन नतीजे बहुत, इसने MFI वाला और इसने तो घाटा पोस्ट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरे सेक्टर में दिक्कत है, पूरे सेक्टर जिन जिन बैंक्स का एक्सपोजर MFI में, उनके साथ दिक्कत है। वो इंडसइंड बैंक में आपने देखा, वो बंधन में कुछ हद तक देखने को मिला, IDFC फर्स्ट बैंक में देखने को मिला। खैर, स्पंदना स्फूर्ति लॉसेस रिपोर्ट क्लियरली दिख रहा है MFIs का, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पेन। NII 21% बढ़ा, नेट लॉस पिछले साल 116 करोड़ का मुनाफा था, 204 करोड़ का घाटा। बहुत सारी डिटेल्स स्क्रीन पे चलती रहेंगी। नेट जैसे ग्रॉस NPA 2.6 वाला 4.9% पे पहुंच गया। बाकी की डिटेल दिखाते रहिए। खैर, ये है स्पंदना स्फूर्ति, आपके लिए लाल रखा है मैंने इसको अपनी टीम में। मेरे ख्याल से इकलौता लाल है आज का, लेकिन होगा 6 स्टॉक्स में। 6 स्टॉक्स हो गए आशीष के। चलिए मेरे 3 बचे हुए स्टॉक्स पर नजर करते हैं जो 6 की श्रृंखला को पूरी करेंगे। अरविंद फैशन, देखिए अरविंद लिमिटेड यस्टरडे एक 15-20% की मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा था, और इसकी जो सिस्टर कंसर्न है अरविंद फैशन, इसके भी नतीजे अच्छे आए हैं। प्रॉफिट आया लगभग 30 करोड़ के आसपास, जो पिछले साल 21 करोड़ था, तो ब्रॉडली एक 50% का प्रॉफिट जंप है। एबिटा अगर आप देखें तो 160 करोड़ आया है वर्सेस 140 करोड़। मार्जिन में अच्छा सुधार और रेवेन्यू में भी हल्का सुधार आपको देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर मैनेजमेंट ने एक अच्छी कमेंट्री दी थी, अच्छी गाइडेंस दी थी, तो डिटेल जो है रिजल्ट्स की, जो मैनेजमेंट की आउटलुक है उस पर तो नज़र रहेगी, लेकिन रिजल्ट्स के लिहाज से इसको ग्रीन में लेकर चल रहा हूँ। नंबर्स ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। इसके अलावा अरविंद के बाद वो है आदित्य बिरला सनलाइफ AMC ABSL AMC। तो जो ये बिरला ग्रुप की कंपनी है जो म्यूचुअल फंड का कारोबार करती है, इसके मुनाफे का मोमेंटम देखिए। नेट प्रॉफिट आया 240 करोड़ जो पिछले साल 180 करोड़ था। एबिटा की बात करें तो मार्जिन 59% आए हैं, जो पिछले साल लगभग 57% के आसपास थे, और एबिटा आया 250 करोड़ का। तो कहीं ना कहीं नंबर्स में सुधार है। स्टॉक ने कुछ नहीं किया है, IPO प्राइस के आसपास ही अवेलेबल है, तो शायद आज रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत मोमेंटम बने। यस्टरडे रिजल्ट्स के पहले वाले स्टॉक में 3% का मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है, ये ध्यान रखिए। आखिर में बात करेंगे काया की, और इसकी काया पलट हो ही नहीं सक रही है, बहुत दिक्कत में कंपनी। 16 करोड़ का लगभग लॉस जो पिछले साल 12 करोड़ के आसपास का था, तो लॉसेस में इजाफा हुआ है और रेवेन्यू में भी कोई खास ग्रोथ नहीं आई है। तो ये एक स्टॉक है काया लिमिटेड जो मैरिको की ग्रुप कंपनी है, यहाँ आपको प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि नंबर्स फिर से एक बार क्वार्टर के पीके रहे हैं। तो 6-6 स्टॉक्स हो गए आशीष, 6-6 हो गए, 6-6 हो गए। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ब्रेक के बाद फिर से एक बार सीधा सौदा में आपका स्वागत है। धनतेरस स्पेशल ये शो हम मना रहे हैं मेरे कॉलीग आशीष के साथ, और बहुत ही धमाकेदार स्टॉक आइडियाज और टीम आशीष ने बनाई है। सॉरी, मुझे पता नहीं था धनतेरस स्पेशल है, मैं लाल तो नहीं जाता, अगले साल के पिक्स देता, मैं आज ही के हिसाब से लेकर आया, आज ही के हिसाब से लेके आए। तो देखिए खबरों के तर्ज पे जो स्टॉक्स हैं हमारी लिस्ट में, तो बचे हुए 4-4 स्टॉक्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो बचा हुआ स्टॉक है वो है रेलटेल, इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। काफ़ी अच्छे नतीजे हैं, अगर हम बात करें तो 73 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर हम बात करें Q2 रेवेन्यूज़ की, तो लगभग 800 करोड़ से ज़्यादा के रेवेन्यूज़ आपको दिखाई पड़े, जो पिछले साल 600 करोड़ था, तो रेवेन्यू में एक अच्छा जंप। हालांकि जो एबिटा मार्जिन है थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन जो ऑर्डर इनटेक है कंपनी का वो बढ़ता हुआ आपको नज़र आया है। एक एक्सेप्शनल आइटम के कारण भी एक इम्पैक्ट आता हुआ नज़र पड़ा है रेलटेल के रिजल्ट्स पे, इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ गिवन द फैक्ट दैट कंपनी की ऑर्डर बुक, ऑर्डर इनफ्लो और फ्यूचर पाइपलाइन ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। JSW इंफ्रा, और ये JSW ग्रुप की कंपनी, Q2 का प्रॉफिट लगभग 46% बढ़ा, एबिटा 48% बढ़ा, और मार्जिन में देखिए 67.5% का आया है, जो पिछले साल 54% था, तो एक मार्जिन में भी अच्छा जंप। तो बहुत ही हेल्दी रिजल्ट JSW इंफ्रा के, इसको ग्रीन में लेके चल रहे हैं। NTPC ये स्टॉक को फोकस पे रखिए, क्योंकि कंपनी की जो सब्सिडरी है NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इसको SEBI का ग्रीन लाइट मिल चुका है 10,000 करोड़ के IPO के लिए। तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा आज, क्योंकि इनकी जो मार्की सब्सिडरी है सोलार और विंड एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इसको IPO का गो अहेड मिला है, तो एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है NTPC के शेयर होल्डर्स के लिए, इसको ग्रीन में लेके चल रहा हूँ। और आखिर में भी एक PSU स्टॉक है NBCC,
लगभग 1726 करोड़ रुपए का ऑर्डर इनको गोवा सरकार से मिला है वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। तो एक बड़ा ऑर्डर इनके हाथ लगा है 1725 करोड़ के आसपास का। तो स्टॉक कल भी 6% ऊपर था, आज भी थोड़ा बहुत मोमेंटम में रह सकता है। तो ये चार स्टॉक्स मेरी तरफ से, 10 की टीम हो गई पूरी। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी था। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा भी था। एक काम करिए, हमें बोल चुका था, एक काम करिए, जोमैटो को लाल कर दीजिए मेरी टीम में, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा हटा दीजिए। चलिए ग्रीन है, आपने भी ग्रीन ही रखा था। ग्रीन ही रखा, नंबर्स अच्छे हैं, कोई शक नहीं। जोमैटो इसीलिए रडार पर रखेंगे क्योंकि स्विगी के जो अपडेट्स आ रहे हैं प्राइस बैंड रिलेटेड और वैल्यूएशन रिलेटेड काफी ठंडा है, और शायद उससे पहले जोमैटो लगातार कूल ऑफ भी हो रहा है, आपने देखा होगा। आज लाल रखते हैं, वॉच पे रखेंगे। बिल्कुल, लेट्स सी। तो उधर रिप्लेसमेंट हो गया, अब अगले चार टाटा टेक्नोलॉजीज। ऐसे कोई खास नंबर्स नहीं है, स्टेबल नंबर्स हैं, पर क्या है, 3 डिजिट में आ गया स्टॉक, बढ़िया पेडिग्री, इसे मैं ग्रीन लेके चलता हूं। नंबर्स बता देता हूं, Q-on-Q आय 2.25% बढ़ी, डॉलर रेवेन्यूज 1.5% बढ़े, ग्रॉस मार्जिन्स 90 बेसिस पॉइंट्स का Q-on-Q इंप्रूवमेंट है, सर्विसेज सेगमेंट में ग्रॉस मार्जिन्स 120 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट दिखा रहे हैं, पर हाँ ओवरऑल इबीटा स्टेबल है 18.2% पे। नंबर्स ठीक हैं, स्टॉक बहुत बढ़िया है, ग्रीन करते हैं, चलिए देखते हैं। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स के नंबर्स अच्छे हैं, आय 9% उसके सामने इबीटा 84% का जंप, 5.3% वाले मार्जिन बढ़ के 8.9% पे आ गए। सुप्रीम इंडस्ट्रीज को ग्रीन करा, क्या साइज हो गया इसका, 50-60 हजार करोड़ की कंपनी होती थी सुप्रीम इंडस्ट्रीज। इसको अप्रूवल मिला है मार्केट करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए Type 4 कंपोजिट CNG सिलेंडर्स पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये सेकेंड मैन्युफैक्चरर होगा इंडिया में जिसको Type 4 कंपोजिट CNG सिलेंडर्स का अप्रूवल मिला है, गाड़ी ऑडियो में खूब इस्तेमाल होता है, अच्छी खबर कंपनी के लिए। और फाइनली एक और ऑर्डर बैक करने की न्यूज थी, DCX सिस्टम्स लॉकहीड मार्टिन ग्लोबल USA से इस कंपनी को कुछ $45 लाख, जिसे मैं इंडियन करेंसी में करूँ तो 450 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये है इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज की सप्लाई का जो इसे 12 महीने में कंप्लीट कर, बड़े ऑर्डर है, ग्रीन कर दिया। 10 स्टॉक्स पूरे, क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो हम दोनों की टीम्स का एक क्विक रैप अप। सीधा सौदा में फिर से एक बार आपका स्वागत है और आपके सामने सीधा सौदा की 10 की मेरी टीम का रैप अप। IGL Q2 परफॉर्मेंस काफी फीका रहा है, अनुमान से काफी खराब नतीजे आए हैं, तो शायद स्टॉक आज प्रेशर में रहे, ग्रीन में लेके चल रहा हूं। SJ एंटरप्राइजेस अच्छे रिजल्ट्स, डिक्सन टेक्नोलॉजीज वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चर करने का एक MOU कंपनी ने साइन किया, इसके लिए फोकस में अरविंद फैशन, आदित्य बिरला, AMC, Q2 परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, काया का एक सरप्राइज क्वार्टरली लॉस, इसके अलावा रेलटेल और JSW इंफ्रा काफ़ी शानदार नतीजे हैं। जहां तक कि NTPC ग्रीन का सवाल है, 10,000 करोड़ की IPO का इनको एक ग्रीन सिग्नल मिला है SEBI से, तो NTPC जो इनकी पेरेंट कंपनी है ये फोकस में आज रहेगी, और NBCC 1725 करोड़ का एक बड़ा गोवा का ऑर्डर इनके हाथ लगा है, तो इसको भी ग्रीन में लेके चल रहा हूं। चलिए मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन्स पे, अलग अलग रीजन से चलते लाल और हरे हैं। डॉक्टर रेड्डीज, प्रेस्टीज एस्टेट्स, फेडरल बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल, टाटा टेक, कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और DCX सिस्टम्स हरे में रखा। स्पंदना स्फूर्ति और साथ साथ जोमैटो को लाल ले जा रहा हूं, रडार पर रखे इनकाउंटर्स। चलिए